भाई क्या आप एमसी स्टैन इंटरनेशनल जा रहा है? यस भाई, एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ के आर्टिस्ट का यह कहना है कि इंडिया में एक ऐसा बंदा है जो अलग प्रकार का ही म्यूजिक क्रिएट कर रहा है और वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एमसी स्टैन के साथ कोलैब करने में। देखो उन्होंने क्या बोला है। By the name of MC Stan, he was like a real had a real, really big cult following. He went on to this big reality show out there called Big Boss, and I think it was the first that a lot of people saw a street kid exposed on such a national level. भाई क्या MC Stan की शादी 2023 में होने वाली है? पॉडकास्ट में MC Stan से पूछा गया कि क्या MC Stan शादी करने का क्या प्लान है, तो भाई देखो उन्होंने क्या बोला है। शादी करने का अपने को एक बुबा के साथ में ब्रो। कब से रिलेशनशिप चल रही है? चार साल हो गए लेंगे, 4-5 साल। क्या MC Stan बिग बॉस 16 जितना डिजर्व करता है? रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था जो बिग बॉस को पीछे से आवाज देते हैं उन आर्टिस्ट का, तो उन्होंने क्या कहा कि MC Stan डिजर्व करता है या नहीं, देखो इस वीडियो क्लिप में। किसी ने गाना अच्छा गाया तो डिजर्विंग हो गया, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पीपल्स वोटिंग। लोगों को अच्छा लग रहा है, किसी की फैन बेस है। भाई क्या बिग बॉस शो पूरा का पूरा रियल है या पूरा का पूरा फ्रॉड है? रिसेंटली जो बिग बॉस को पीछे से आवाज देते हैं उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा गया था कि MC Stan डिजर्व करता है या नहीं, क्या सही में वोटिंग्स होते हैं, इतने ज्यादा वोट्स आते हैं या छुपके से किसी को जिताया जाता है, तो MC Stan डिजर्व करता है या नहीं। देखो उन्होंने इसके ऊपर क्या बोला है। ये वो शो नहीं है जहाँ पर आपने टास्क किया तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, आपने गाना गाया तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, गाना अच्छा नहीं गाया तो आपको कम नंबर मिलेंगे। कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वोटिंग। MC Stan के फैंस उनको वोट किया, वो जीत गए।